एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम बजरखोर मुझे नहीं हंसा जाता है मैडम, समझिए आप। आपको हंसने के लिए किसने कहा है? आपने। मैंने? हाँ? मैंने कब कहा है? हाँ मतलब नहीं, आपने नहीं। तो आप हंस रही थी तो आपको देख के मैं भी हंसने लगा। ओह, तो आप मेरी नकल उतार रहे थे। अगर मैं कुएं में कूदूंगी तो क्या आप भी कूदेंगे? नहीं नहीं, पर आप कुएं में कूदेंगी क्यों? मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। वो एग्जांपल तो आप कुएं के बाहर खड़ी रहकर भी दे सकती हैं ना। हाँ वो तो है। आप हैं कौन? मेरा नाम मुसद्दीलाल अलवालिया है। देखिए, आप आलू वाले हो या प्याज वाले हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इस वक्त क्या चाहिए? मदद। किस सिलसिले में? राशन कार्ड बनवाने के मामले में। इस मामले में आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। क्या? आप पटेल साहब के पास जाइए और फॉर्म लेकर आइए। गया। फॉर्म भरिए। भरा। भाटिया साहब के पास जाइए और सबमिट कीजिए। किया। तो अब आप जाइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? कहाँ जाऊँ? पटेल साहब के पास। नाम? संतोष शर्मा। अच्छा, एक रुपया लाओ। दो का डॉलर। ओह थैंक यू। नेक्स्ट। एक रुपया वापस आप? नहीं, छुट्टा नहीं है। हाँ जी, गोपाल शंकर नारायण, मेरे पास एक रुपया छुट्टा है। हाँ, अगर हम एक आदमी के लिए एक ही फॉर्म देते हैं। जी मुझे एक ही फॉर्म चाहिए। किसका? गोपाल का, शंकर का या नारायण का? भाई साहब तीनों नाम मेरे ही हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कल को अगर तीन जगह राशन लिया तो? हा? नहीं साहब, आप भी कैसी बात करते हैं, मेरा एक ही नाम है गोपाल। तो पहले आप शंकर और नारायण से एनओसी लेकर आओ, जाओ। नेक्स्ट। एक रुपया देता। हाँ जी, मुसद्दीलाल अलवालिया। हाँ, एक रुपया है, ये लीजिए। ठीक है, फॉर्म भर के जमा करा दो। नेक्स्ट। जी ठीक है, 9 रुपए बाकी दे दीजिए। नहीं है छुट्टा। आप देखिए होगा तो सही। छुट्टा नहीं है ना? आप ठीक से देखिए ना। अरे कहाँ है, नहीं है। अच्छा लाइए, मैं लेके आता हूँ। पहले नहीं ला सकते थे क्या? रुको देखता हूँ अभी। हाँ तकदीर वाले हो, रखो 5 रुपए। ओके जाओ। नेक्स्ट। बाकी के 4 रुपए। अरे भाई ये भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। नहीं है 4 रुपए, भूल जाओ ना। तो दे दीजिए आप मुझे 10 का नोट दीजिए, मैं छुट्टा करवा के लाता हूँ। भाई छुट्टे का बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, ये 4 रुपए के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं आप? भाई पैसे वाले लोग हैं। और क्या है कि छुट्टा कराएंगे तो कहाँ से कराएंगे? या तो पब्लिक से कराएंगे या तो पान वाले की दुकान से कराएंगे। पब्लिक कहाँ से देगी आपको छुट्टा? पान वाले की दुकान पे गए तो 2 बातें होंगी, या तो आप पान खरीद कर छुट्टा कराएंगे या तो सिगरेट खरीद कर कराएंगे। पान खरीद कर कराया तो ठीक है, मगर सिगरेट खरीद कर करा तो 2 बातें होंगी, या तो आप खुद पिएंगे या तो किसी और को दे देंगे। किसी और को दिया तो ठीक है, उसकी जान खतरे में, मगर आपने पिया तो 2 बातें होंगी, या तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी या तो कैंसर होगा। हार्ट प्रॉब्लम में तो बचने के चांसेस हैं, मगर कैंसर हुआ? अरे यार 4 रुपए के लिए क्यों कैंसर जैसी बीमारी मोल लेना चाहते हैं आप? भूल जाइए ना 4 रुपया। अब लाइए 10 रुपए, मैं छुट्टा करवा के लाता हूं। चला नेक्स्ट। अरे भाई साहब 10 का छुट्टा होगा? माफ कीजिएगा, मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है। 5 का नहीं है? 5 का? 5 का है, पर फॉर्म तो 1 रुपए का है ना। नहीं मेरे पास छुट्टा नहीं है ना, इसलिए। मैं कुछ समझा नहीं। वो कुछ नहीं, समझाने का काम हमारा नहीं है, जाइए। नेक्स्ट। फॉर्म तो दीजिए। ये लीजिए 1 रुपया छुट्टा। कहाँ से? सिगरेट या पान? दोनों जगह से। नहीं तो कहाँ वो भिखारी बैठता है उससे लिए? मैंने कहा सर, इससे आपको क्या मतलब? मुझे क्या मतलब, ठीक है। वहाँ नीचे क्या देख रहे हैं, फॉर्म तो यहाँ रखा हुआ है। लंच ब्रेक। क्या? अभी कल आना। कल क्यों? क्योंकि फॉर्म वितरण लंच तक ही होता है, इसलिए। क्या? हाँ कल। मुसद्दीलाल अलूवालिया। 1 रुपया छुट्टा। छुट्टा ना लेते तो क्या हम छुट्टा नहीं देते? ये फॉर्म कहाँ भरना होगा? भाटिया साहब के पास। भाटिया साहब कहाँ है? ढूंढ लो। सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सर लेकिन हुआ क्या, आपने कहीं खाना वाना कुछ कम तो नहीं खाया? नहीं हुआ ये कि कल रात को मैंने सपना देखा कि मेरे सर के पास एक बहुत बड़ा तरबूज पड़ा है और उसे मैं खा रहा हूँ। लेकिन सर तरबूज तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे सुनो तो सही, जब रात को सपने में तरबूज खाकर मैं सुबह उठा तो देखता क्या हूँ कि मेरा आधा तकिया गायब है। हेलो हेलो। अरे ये वो वाला हाय नहीं था, ये हाय वाला हाय था। ओके ओके, मुझे ये फॉर्म जमा करना है। अरे टीना जरा देखो ठीक है कि नहीं।
सर फॉर्म तो बिल्कुल ठीक है। नया राशन कार्ड बनवाना है या पुराने में नाम एंटर करवाना है? जी बिल्कुल नया बनवाना है। अच्छा पहले कहाँ रहते थे? मुरादाबाद। अच्छा वहाँ सरेंडर किया कि नहीं? मैंने आज तक कभी सरेंडर नहीं किया। तो यहाँ कैसे बनेगा? पहले वहाँ सरेंडर करना पड़ेगा। टीना समझाओ इन्हें। मैं क्यों करूँ सरेंडर? सर करना पड़ेगा। अरे कैसे करना पड़ेगा? मैंने आज तक जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया तो मैं सरेंडर क्यों करूं? अरे आहिस्ता बोलो, तकलीफ होती भाई। सर मुझे 100% गारंटी है रूई फंस गई होगी। मुझे भी वही लगता है, मैं निकाल के आता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अरे भाई साहब आप कहाँ आ रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको चलना है क्या? कहाँ? यहाँ वहाँ नहीं। अच्छा सुनिए, सरेंडर सर्टिफिकेट लाइए। सरेंडर सर्टिफिकेट? देखिए मुरादाबाद में जो आपका राशन कार्ड था उसमें से अपना नाम आपने कटवाया कि नहीं? हाँ हाँ नाम तो कटवाया है मैंने। ये देखिए ना, ये आप देखिए रसीद है, ये देखिए। अरे यही तो है सरेंडर सर्टिफिकेट। अच्छा ये है सरेंडर सर्टिफिकेट, मैं समझा के। Anyway, आप ये रसीद लीजिए, हमारा इंस्पेक्टर आपके घर में 10-15 दिन बाद पहुँच जाएगा। क्यों? वो ये वेरीफाई करने की ये जो एड्रेस आपने लिखा है ये सही है या गलत है, तभी तो राशन कार्ड बनेगा ना। जी और क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो फिर जाइए ना। जी हाय। सर चाय? हाँ चाय के साथ समोसे भी। ओके सर ओके। आप हंस क्यों रहे हैं? आप रो रही हैं ना? तो मुझे रोता हुआ देख के आप हंस रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हंसे क्यों? बात यह है कि अगर आपको रोता हुआ देख के मैं रोता तो आप कहती कि मैं आपकी नकल उतार रहा हूँ। आपको याद होगा मैं 15 दिन पहले यहाँ पे आया था जब आप हंस रही थी और मैं भी आपके साथ हंसने लगा था। इतने दांत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको काम क्या है? जी 15 दिन पहले मैं यहाँ पे राशन कार्ड बनवाने के लिए आया था। देखिए यहाँ पे लोग पासपोर्ट बनवाने नहीं आते। मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। जब 15 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था तो आपने मुझे ये रसीद दी थी और कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई इंस्पेक्टर आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं, इंस्पेक्टर तो क्या कोई हवलदार तक नहीं आया। अरे तो आप भाटिया साहब से जाके बात कीजिए ना। भाटिया साहब कहाँ है? वो उषा जी के साथ अचार बनवा रहे हैं। वाह उषा भाई वाह, जवाब नहीं है आपके अचार का। मेरा अचार? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि आपके बनाए हाथ के अचार का। लेकिन ये मेरे हाथ का अचार कहाँ है, ये तो आम का अचार है। जब बनाने में इतना मजा आ रहा है तो खाने में कितना मजा आएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी ये मेरा नाम मुसद्दीलाल आलू वालिया है। आलू वालिया? जी आलू वालिया। अरे बड़ा टेस्टी नाम है। हाँ जी पकाइए जी। जी क्या पकाऊं? नहीं नहीं मेरा मतलब बताइए जी। जी 15 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था राशन कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ सभी वही बनवाने आते हैं। सर 15 दिन पहले आपने मुझसे कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर एक इंस्पेक्टर आएगा आपके घर पे वेरीफाई करने के लिए, लेकिन 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन 15 दिनों के अंदर कोई इंस्पेक्टर नहीं आया वेरीफाई करने के लिए। अब आप ये मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? कुछ नहीं। क्या मतलब? आप कर भी क्या सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। अरे सर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपको पता नहीं है? अच्छा हाँ आम का अचार डाल सकते हैं? ये आम का अचार? अरे आम का अचार क्या चीज है? एक्सक्यूज मी एक सेकंड जरा, सलीके से होना चाहिए ना सर। आम का अचार क्या सर? मैं तो नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, गोभी का अचार, सारे अचार डाल सकता हूँ। ये तो मामूली आम का अचार है। आप लोग चले गए? हाँ। अच्छा यही तो वो बोला तू मेरी लैला। देखता है साला। वो तो पता है रे मैं उसे कहाँ कैच करती हूँ। बहन जी तुमने मुझे छुआ? सेक्सुअल हैरेसमेंट, दुर्व्यवहार? नहीं नहीं बहन जी मैंने आपको वैसे कहाँ छुआ है, मैंने तो आपको ऐसे छुआ है। फिर से मुझे टच किया, फिर से दुर्व्यवहार? दुर्व्यवहार नहीं बहन जी, आचार आचार, आपका आचार तैयार हो गया है। क्या कह रहे हो इतनी जल्दी? अरे वाह। अब ये बताइए कि मेरा राशन कार्ड कैसे तैयार होगा और इंस्पेक्टर मेरे घर कब आएगा? वो तो आपको वही बताएंगे। कौन? इंस्पेक्टर। नहीं शुक्ला जी गेहूं में अब और कंकड़ नहीं डाल सकते। क्यों? अरे महंगे हो गए ना भाई, जितने के गेहूं आते हैं उतने के ही कंकड़ भी पड़ते हैं। बात पांडे जी ने एकदम मलाई मार के कही है। अच्छा
तो सब मरने वालों का लिस्ट बनाइए और भाटिया साहब हर मरने वाले को राशन मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी भाटिया साहब, ये इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? थाने में। नहीं, मैं उन इंस्पेक्टर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? वो जो वेरीफाई करने के लिए आते हैं ना, उन्हें मेरे घर पे आना था, वो आए नहीं। इस बात का कौन वेरीफाई करे? मैं कर रहा हूँ। आप इंस्पेक्टर है? जी नहीं, मैं कंडक्टर। वेरी गुड, तो ऐसा कीजिए आप फुर्सत का टिकट काट लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं टी ब्रेक के बाद। ये टी ब्रेक कब खत्म होगा? जब हम बुलाएंगे। आप कब बुलाएंगे? अरे जब टी ब्रेक खत्म हो जाएगा। पांडे जी, आपका तो टोटल कैलकुलेशन गड़बड़ निकला। आपके इलाके में 40% लोग मिट्टी तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप खुद अकेले ही डकार जा रहे हैं। नहीं शुक्ला जी, 40% नहीं, 20% लोग, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के राशन कार्ड पे राशन ले जाते हैं, हमसे ज्यादा तो वो ब्लैक कर रहे हैं। अब ये सब हमको नहीं मतलब, हमको अपना कमीशन परफेक्ट चाहिए बस। ठीक है, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। भाई साहब क्या है, आपने कहा था टी ब्रेक के बाद आप मुझे बुलाएंगे। हाँ तो टी ब्रेक खत्म कहाँ हुआ अभी। अच्छा तो अब राशन कार्ड कैसे बनेगा? फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तब कब? जब हम वहाँ वापस आएंगे तब। आप कब आएंगे वहाँ वापस? 15 दिन बाद। अच्छा ठीक, देखिए ये पूरे के पूरे 15 दिन मैं वहीं घर पे रहूंगा, आप आइएगा जरूर। हाँ है ना शुक्ला जी। हाँ? एक बात बताइए सच सच। क्या? आज तक आपने कितने केस वेरीफाई किए? इस सवाल को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके जवाब वेरीफाई होगा। कब? 15 दिन बाद। 15 के 25 दिन हो गए आपका इंतजार करते करते, आप ना हुए नल में से निकलता हुआ पानी हो गया जिसका इंतजार किया जाऊंगा। मतलब हो गया? क्या हो गया? अरे निकाल लीजिए, एकदम टोटल निकाल लीजिए आप। चलिए निकल गया आप, चलिए। मुसद्दीलाल आलू वालिया, हम आपके घर गए, चाय नाश्ता सब कुछ किया। क्या नाश्ता किया? जी हाँ, आपकी पत्नी ने कराया। मेरी पत्नी ने आपको नाश्ता कराया? जी हाँ, और हमने पूछा भी कि भाई साहब कहाँ, तो बोले वो तो यहाँ रहते नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ही की पत्नी ने कहा। अरे वो मेरी पत्नी थी भी। अब होंगी, हमने पूछा थोड़ी मतलब। तो क्यों नहीं पूछा आपने? अरे भाई आपके घर गए, अब क्या पूछना आपकी पत्नी। वैसे आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं क्या? रहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ ही रहता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों बोला भाभी जी ने? अरे किसके घर चले गए थे आप? अरे 45D गोविंद नगर सेक्टर 1। 45D? जी 45D में नहीं, 44D में रहता हूँ मैं। तेरी की, आपने पहले क्यों नहीं बताया भाई? बता दो था मैंने, आपने लिखा गलत होगा। क्या महाराज, गलती आप लोग करते हैं, फिर बाद में कहेंगे कि राशन कार्ड नहीं बनता। अब दोबारा आना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा वहाँ फिर से। दोबारा कब? 15 दिन बाद। अरे मैं सबको यही उठा के ले आता हूँ। पूरा घर दरबार ले आएंगे क्या? जी मतलब कहने का मतलब हम वहाँ जाएंगे भाई साहब, देखेंगे कि जो आपने एड्रेस दिया वहीं रहते हैं कि नहीं रहते। कब आएंगे? 15 दिन बाद। क्या बताऊं पांडे जी, आजकल लोग राशन कार्ड राशन लेने के लिए कम मगर पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा बनवाते हैं ना। सही है ना, वो लोग राशन नहीं लेते, इस चक्कर में अपनी रिटेल की दुकान चलती रहती है। तो भाई क्या हाल भाई? कौन था? कौन बताओ? कौन? राशन कार्ड बना? नहीं बना। अरे भाई आपका फॉर्म तो 3-4 महीने पहले जमा हो गया था। अरे हाँ, पर शुक्ला जी को आना था वेरीफाई करने के लिए, वो आए नहीं वेरीफाई करने। हाँ तो आप उनके घर पर चले जाइए ना। क्या करने? उन्हें सेटिस्फाई करने। ये शुक्ला कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये बात मैं वेरीफाई करता हूँ। तो आप ये बताइए मैं क्या करूँ। एक तरीका है। क्या? ये पांडे जी हैं। हाँ मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, राशन की दुकान है इनकी, बड़े फेमस हैं, इन्हीं से वेरीफाई करवा लीजिए ना आप। ये क्या इंस्पेक्टर हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब से भी ज्यादा पावरफुल है भाई साहब। अच्छा वो कैसे? राशन है कि नहीं यही तो बताते हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मैं शुक्ला जी से ही करवा लूंगा, वो 15 दिन के अंदर आने वाले हैं कहा था उन्होंने। ठीक है, राशन के शक्कर की तरह ढूंढते रह जाओगे शुक्ला जी को। बताइए क्या करूँ। वो आएगा नहीं, मैं तो कहता हूँ पांडे जी से ही वेरिफिकेशन लेटर ले लो। शुक्ला का वेट किया तो दो बातें होंगी, या तो वो आपके घर पर जाएगा या तो नहीं जाएगा। गया तो ठीक है, नहीं गया तो दो बातें होंगी, या तो आप मिलेंगे या तो ताला मिलेगा। आप मिले तो ठीक है, मगर ताला मिला तो दो बातें होंगी, या तो आप यहाँ पर वापस आएंगे या तो नहीं आएंगे। नहीं आए इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्लैक में राशन खरीद रहे हैं, और आए तो दो बातें होंगी, या तो शुक्ला मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो गए राशन के भाव, और मिला तो दो बातें होंगी। अरे भाई क्यों आप बार बार दो बातों के चक्कर में पड़ना चाहते हैं? एक ही बार में मामला निपटा क्यों नहीं लेते आप? कैसे? ये फॉर्म भर के? ऐसा फॉर्म? वेरिफिकेशन फॉर्म। भरो भाई, भरो भरो। बोलो। नाम? मुसद्दीलाल आलूवालिया। पता? 44D गोविंद नगर सेक्टर 1। घर में टोटल मेंबर? एक मैं, एक मेरी बीवी और वो नहीं, एक बच्चा। ओ, और बस हम 3 ही लोग हैं घर पे। पिताजी? पिताजी गुजर गए। गुड। क्या माताजी? माताजी मर चुकी हैं। बहुत अच्छे। आपका दिमाग खराब हो गया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हम आपके माता पिताजी को जिंदा कर रहे हैं। अच्छा? राशन कार्ड में।
अच्छा तुम्हारे कार्ड में 5 लोगों का नाम चढ़ेगा लेकिन राशन 3 लोगों को मिलेगा। गैस सिलेंडर है? हाँ है। हाँ तो केरोसिन ऑयल नहीं मिलेगा। डायबिटीज है घर में किसी को? मुझे है। तो अपने कोटे की चीनी नहीं लोगे? चीनी क्यों नहीं लूंगा? अच्छा अच्छा आप मेरे कोटे की चीनी ब्लैक में बेचेंगे, मैं तो अपने कोटे की चीनी लेके रहूंगा। वेरिफिकेशन कराना कि नहीं कराना? अरे नहीं कराना मुझे वेरिफिकेशन। नहीं ठीक है अपना क्या अपना? मतलब क्यों नहीं कराना? किसने कहा किसने के वेरिफिकेशन नहीं कराना? कोई ऐसा नहीं कहता, बस आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। साइन? जो हमने वेरीफाई किया वो तुम वेरीफाई कर दो। आओ। थैंक यू सो मच। ये राशन कार्ड कब मिलेगा भाई? ये क्या है, ये फॉर्म हम शुक्ला जी को दे देंगे, फिर वो आपके घर पर आएंगे और कुछ डिटेल्स पूछेंगे, तो वही बताना जो यहाँ पर लिखा है, बस फिर वो आकर यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और फिर आपका राशन कार्ड तैयार। सच में? लाइए। क्या जो दिल करे दे दीजिए बस। क्या दे दूं? अच्छा 500 से चला लूंगा आपके लिए। 500 किस चीज के? राशन कार्ड बनवा रहे हैं ना आपका। ये कमाल है, मैं राशन कार्ड बनवा रहा हूँ तो मैं पैसे क्यों दूं? तो मत दीजिए, काटते रहिए चक्कर। अरे भाई पांडे जी ये शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, इतनी मेहनत करते हैं और लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे भाई घर में 4 बच्चे। चलिए बात सुनिए, 500 बहुत ज्यादा है, अकेले के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ऊपर तक देना पड़ता है ना। और क्या है, बिना माल के शुक्ला जी को घर नहीं मिलता तो वेरीफाई क्या करेगा? बिना माल के उषा जी को फाइल नहीं मिलती तो नाम कहां पर चढ़ाएगी? बिना माल के भाटिया साहब की कलम चलती नहीं तो साइन कहां पर करेंगे? बिना माल के टीना कार्ड भी नहीं देगी। तो 4 लोग हुए ना तो 400 रुपए होते। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? कुल मिलाकर 500 हो गया ना फिर? अच्छा अच्छा तो 100 रुपए आपके। ऐसे ही समझ लो बस। लीजिए 500 हैं पूरे। बस अभी शुक्ला आ जाएगा। कब? वही 15 दिन बाद। जी अच्छा। ये तीनों को करियो कैंसिल है। क्या? और आप साइन कर दीजिए। ठीक है भाई साहब। क्या आदमी है, क्या आइटम बम है भाई साहब? आप जा रहे थे वहां का एड्रेस गलत देते हैं ये। देखिए भाई साहब मेरी बात सुन। देखिए कुछ नहीं, फिर पिक्चर माँ कसम पांडे भाटिया, मैं इस बार गया था वहाँ कोई रहता ही नहीं है, दूसरे लोग रहते हैं। पता है? तो फिर गलत पता क्यों लिखवाया? देखिए भाई साहब बात यह है कि जब मैं यहाँ पे 6 महीने पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए आया था तब मैं वहीं रहता था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब के आते आते 11 महीने पूरे हो गए तो मालिक मकान ने मुझे लात मार के वहां से बाहर निकाल दिया। अब बताइए हम लोग क्या करें? आप बताइए मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए, आप पटेल साहब के पास जाइए, नया फॉर्म लीजिए और फिर से अप्लाई कीजिए। क्या? यस, सारी कार्यवाही शुरू होगी बिगनिंग टू एंड। शुक्ला जी लेकिन फॉर्म तो मैं पहले से भर चुका हूँ। लेकिन पता तो बदल गया है ना। अरे जल्दी करो, 1:30 बजने वाला फॉर्म नहीं मिलेगा। जी छुट्टे हैं? नहीं 10 का नोट है। लाओ। दे रहे हैं छुट्टे आप? भाई ये लो 7 रुपए। 7 ही है ना भाई साहब? हाँ जी भाई साहब। अब अगली बार क्या कार्ड पर एड्रेस भरेंगे? वहीं का जहाँ मैं रह रहा हूँ। ना 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 ना, ये गलती ना करना, वहां का पता भरना जहाँ इसके बाद रहोगे। क्यों? क्योंकि हमें आते आते देर हो गई, घर बदल दिया तो।